परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, मिनट 20 हैं और 20 मिनट श्रोताओं से आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि बुद्ध जी भी कहते हैं चार लाइनों में, मेरे भाई धर्मवीर गजराज को प्यास लगी बन में, गजराज को प्यास लगी बन में, गज माने हाथी, हाथी के लिए प्यास ने सताया, हाथी पानी की तलाश में जा रहा है, गजराज को प्यास लगी बन में, जब पीवन नीर सरोवर धायो, गजराज ने पैर दियो जल में, गिरहान आ जा को पाम दबायो, गजराज ने भारी भारी जो गजराज ने भारी जो रखियो, पर गिरहा के बल को कोई पार नहीं पायो, गोविंद हरि पुकार सुनी तो सामने आ जा को फंदी छुड़ायो। जिकड़ी की साखी कलाकार बंधु सुना गए, हमने भी सुनाई थी और अब भी सुना रहे हैं। पहले नंबर जो हमने गाया इन फरसों के लिए सुनाया, और अब तो कुछ श्रोता तो हैं और ना तो चाय के गिलास ज्यादा दिख रहे हैं श्रोता अंत तो। हाँ जी, और साखी चार साहब आध्यात्मिक, ध्यान दीजिए साखी के बोल की तरफ, आनंद और पैरनी बन गई है गिरारे की, गिरारे की तरे चलत में, अरे ठोकर लगी
जब सर की चूंदर उड़ गई तो धर्मवीर जी ₹50 का पुरस्कार आदरणीय हरिराम जी की तरफ से दिलकी मेरे दिलकी धड़कना बढ़ गई है बहना सलामत झुकी गई है दो मेरे नैना ₹100 का पुरस्कार नेक चंद ड्राइवर साहब अच्छा डायरेक्टर जी पुरस्कार दे रहे आशीर्वाद स्वरूप और ₹50 बड़े भाई नेम सिंह जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद और ₹50 का पुरस्कार आदरणीय जय सिंह जी और ₹50 शीतल सिंह जी और ₹50 विजय सिंह जी की तरफ से और ₹50 गजेंद्र जी की तरफ से और ₹50 बबलू भैया की तरफ से और प्रभु दयाल भैया जी की तरफ से ये ₹50 का पुरस्कार बहुत बहुत अभिनंदन बार बार स्वागत भैया जी और ये ₹100 का आशीर्वाद आदरणीय शोभाराम सुवेदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है बहना सलामत झुकी गई है दो मेरे नैना बादर फट गए पल्ले पर गई बीच किरार में लाजन मर गई ₹100 का पुरस्कार भाई वीरेंद्र राजस्थान पुलिस और ₹100 का पुरस्कार आदरणीय राजेंद्र चार साहब मसेला वालों की तरफ से और यह जोरदार धमाका आदरणीय भूपेंद्र सार साहब इकराम नगर आगरा उत्तर प्रदेश से बता रहे बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओ ये जुगल जोड़ी है आदरणीय राजेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह जी हर जगह पर जिकड़ी सुनने के लिए जाते हैं और जिकड़ी फ्री में उन्हें सुने रुपया उदे हाँ और ये ₹100 का पुरस्कार मास्टर फॉरेन सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और ये ₹50 का पुरस्कार हेम कुमार मास्टर जी की तरफ से भैया जी बादल फट गए पल्ले पर गई बीच गरार में लाजन मर गई कौन देख कहूंगी मैं अपनों दुखड़ा कौन देख कहूंगी मैं अपनों दुखड़ा ना प्रीतम को दिखे मुखड़ा और श्रोता ये जोरदार धमाका ₹500 से सम्मान कर रहे हैं आदरणीय लखो हलवाईगर बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी लोग उड़ा रहे मेरा हंसी ठट्टा इज्जत मेरी में लग गयो बट्टो और भाई धर्मवीर We'll be right back.
लेकिन साकी से मिलान आ रहा है। गमा लियो जो नीहरा गमा दियो जो वन पीहर में समझ में ना आ रहा सही सही बताइयो बैठ जाओ। अरे पीहर मेरी तेरे तेरे श्रोताओ ध्यान के लिए एकाग्र सुना कर दीजिएगा। आज बलि भीम ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने बोल दिया, गुरुदेव मैंने तुम्हारे पुत्र सुस्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मुझे तुम्हारा विश्वास ही नहीं होता, मेरा पुत्र इतना कार नहीं जो आप उसका वध कर सकते हैं। मुझे विश्वास होगा धर्मराज युधिष्ठिर का, धर्मराज युधिष्ठिर को मेरे पास मिलाइए तब विश्वास होगा। धर्मराज युधिष्ठिर के पास बलि भीम चले गए और बोले भ्राता श्री हमारा कोई विश्वास नहीं किया, ये तो आपको जाना होगा। मैं धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं जाऊं गुरु द्रोणाचार्य के सामने और ये कहूं तुम्हारा पुत्र सुस्थामा मारा गया? मैं तो झूठ तब भी नहीं बोल सकता धर्मवीर। कब भीम ने कहा भ्राता श्री मैंने झूठ की नहीं कहा है,
मैंने तो ये कहा है अश्वस्थामा उस हाथी का नाम है, अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है, तुमको तो अश्वस्थामा नाम लेना है। अच्छा, गुरु द्रोण के ठीक सामने, गुरु द्रोण के ठीक सामने धर्मराज किलकारे है। आज समर में भीमसेन ने अश्वस्थामा मारो है। धीरे ते फिर कुंजर बोलो वो कुंती को छैया, गुरुदेव चौरे में डूब गई है नैया। ये कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने, गुरुदेव मारा तो गया, ये पता नहीं नर है या कुंजर है। कुंजर नाम का सत गुरु द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंच दिया। और भैया जी रथ से नीचे आ गए और पश्चाताप कर रहे गुरु द्रोणाचार्य। कैसे धनुष